प्राणम भूतगणा सेवितम कपित्थजंबू फलचारु वक्रम महासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम कन्या को मंगल सूत्र पहनाए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय। सुनिए अक्षत डालिए। लॉज के मुंह पे चावल डालना मंजूर है लेकिन दुल्हा दुल्हन पर अक्षत नहीं डालूंगा। ठाकुर साहब दावत के लिए पधारिए। चलिए आइए बड़े ठाकुर, देर क्यों कर दी? रामपुर से निकलकर सीतापुर में कदम रखे बिना पूरे 36 किलोमीटर घूमकर यहाँ पहुँचते पहुँचते बाप रे चांद नजर आया। सूरज भी नजर आए तो कोई बात नहीं, 100 किलोमीटर घूमना मंजूर है लेकिन सीतापुर में कदम नहीं रखेंगे। हमने भी राजपूत के खानदान में जन्म लिया है, किसी से कम नहीं है। एकदम सही फरमा रहे हैं चंदन अंकल। हम शादी में आए हैं, दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देके पेट भर दावत खाके चुपचाप अपने घर जाने के बजाय फिजूल की बातें क्यों कर रहे हो? चलो चलते हैं। आइए पधारिए। अरे भगवान, शादी के मंडप में आए, अब तो जागो। आ गए? मुझे तो पता ही नहीं जागो चला। तब तो पता चलेगा। चलो तू, राघव सिंह। जी ठाकुर साहब। तुमने रामपुर वालों को बुलाया है, ये हमें क्यों नहीं बताया? ये बदमाश लोग यहाँ पता चलता तो हम यहाँ कदम नहीं रखते थे। दबोजे, निकलो यहाँ से। तेरी मजा का। आज सीतापुर या रामपुर दोनों में से कौन जीतेगा आप देख लेते हैं। ऐसे सब मौके पर ऐसा मत करो। अरे लड़ो मत। जमाने से एक बन के रहने वाला ये गांव दो में बट गया। गांव के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। सीता मैया और राम जी को मंदिर में ही कैद करके ताला लगा दिया। खून की नदियां बहने लगी, खेत और किसानों के घर जलने लगे। क्या उखाड़ा तुम लोगों ने, क्या हासिल किया? सगी बहन से बढ़कर थी मेरी मुंह बोली बहन, अब हमारे बीच नहीं रही। इसका कारण कौन है? भूषण सिंह और भैरव सिंह। सीता रामपुर कहलाने वाला ये गांव दो टुकड़ों में बट के सीतापुर और रामपुर बन गया, तो किसकी वजह से? उस भूषण सिंह और भैरव सिंह की वजह से। तेरी मजाक का। उन दोनों कमीनों को जिंदा जला के उस राग को जिस दिन आपके खेतों में बिखेर दूंगा उसी दिन आप लोगों की दी गई प्रेसिडेंट पदवी की जान बढ़ेगी। मेरे बेटे को मुझसे छीनने वाले प्रताप सिंह के खून से जब तक इस मिट्टी को नहीं सींचूंगा जान की नींद नहीं जाऊंगा। बरसों से ये मेरी प्रतिज्ञा अधूरी है। आपकी प्रतिज्ञा मैं पूरी करूंगा बाबूजी, आपके दामाद के नाते नहीं, इस गाँव के प्रेसिडेंट भैरव सिंह के नाते। मैं एक सच्चे राजपूत की तरह कसम खाकर कहता हूँ, जल्द से जल्द चंद्र सिंह का प्रताप सिंह का सर काट कर आपके कदमों में डाल दूंगा। चंद्र अंकल आपकी बेटी फर्स्ट क्लास में पास हो गई है। फर्स्ट क्लास में पास हो गई? ए, बेटी फर्स्ट क्लास में पास हो गई? 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 दीदी फर्स्ट क्लास में पास हो गई? कैसे? जैन माता की, मैं फर्स्ट क्लास में पास हो गई कहते हैं। देवी माँ मैं कैसे पास हो गई मैं खुद नहीं जानती, कसम से। मेरे आगे जो लड़की बैठी थी उसका पेपर देख के मैंने कॉपी की लेकिन वो फेल हो गई। मेरा पेपर देख के मेरे पीछे वाले ने कॉपी की थी और वो भी फेल हो गई बेचारी। आगे पीछे दोनों आउट, फिर मैं कैसे आउट नहीं हुई? ऊपर से फर्स्ट क्लास में पास हो गई। उल्लू कहीं की। सुनो जी, आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर जाके हिम्मत बटोर के अपने पिताजी के पास जाके कहिए कि देखिए मैं अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता हूँ। हिम्मत और मनोबल जैसी चीजें दुकानों या मंदिरों में नहीं मिलती हैं, वो जन्म से ही पेट में या घुटने में होती हैं। ले तेरी मजाक का। आपको डर लगता है तो मुझे बताइए चंदन अंकल, मैं आपके पिता से बात करके गिड़गिड़ा के आपकी बेटी की मांग में सिंदूर भर दूंगा। फिर फेरे लगाएंगे और बच्चे पैदा करेंगे, उन्हें स्कूल भेजेंगे। ये सब अभी से किस लिए? असल में शादी होगी तो ये सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अबे बेवकूफ की औलाद, कुछ भी हो जाए ये प्रेसिडेंट नगराज सिंह ही मेरा दामाद बनेगा। वो इसलिए कि मेरी 500 एकड़ जमीन के पास ही इसकी 500 एकड़ जमीन है। मेरी बेटी की शादी इससे कराने से दोनों जायदाद एक हो जाएंगे और मेरी बेटी भी मेरी आंखों के सामने हंसती खेलती गृहस्थी चलाएगी। समझ में आया? नहीं समझा तो भी कोई बात नहीं, पहले तुम एक बात समझ लो। हमेशा फेल होने वाली मेरी पोती को 50,000 घूस देकर फर्स्ट क्लास क्यों दिलाया जानते हो? कॉलेज में पढ़ाने के लिए। उसकी डिग्री पूरी होने तक मैं सोऊंगा नहीं। आप चाहे तो सोना छोड़ दो लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी करा के ही रहूंगा। अच्छा तो गृह प्रवेश कब है? गृह प्रवेश नहीं पिताजी, शादी ही बहू। शादी होनी है तो पहले तुम्हें गृह प्रवेश करना होगा। वही तो, किस लिए? ये घर मेरा है इसलिए, पूरी जायदाद मेरे नाम पर है इसलिए। आपने निर्णय कर लिया है तो मैंने भी निर्णय कर लिया है, बताऊं? पिताजी जोश में आके रिवर्स मत कीजिए,
उठ के सोने के लाले पड़ जाएंगे। तू अपना मुंह बंद कर। सब सुनो, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए या उधर से इधर, मैं अपनी बेटी की शादी करा के ही रहूंगा। ऐसी बात मैं कभी नहीं कहूंगा पिताजी। जायदाद सारी आपके नाम होते हुए मैं कभी ऐसा बोल सकता हूँ भला? अच्छा, बेटी को कॉलेज में कब भर्ती कराएंगे? पिताजी, मुझे पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं आगे नहीं पढ़ूंगी। सुनो बेटी, चुपचाप कॉलेज जाकर पढ़ाई करो, नहीं तो कल से खेत में जाकर काम पे लगो। दादाजी, मुझे कॉलेज भेज दीजिए, मैं पढ़ूंगी। ऐश्वर्य राय जैसी ये तेरी आंखें, पल पल चपकती है ये तेरी पलकें। ऐश्वर्य राय जैसी ये तेरी आंखें, पल पल चपकती है ये तेरी पलकें। जब से तुमने कॉलेज में आना शुरू कर दिया, तब से मोहब्बत करने का कुछ मूड आ गया। देखो देखो हमको भी देखो, सीखो सीखो हमसे भी सीखो। देखो देखो हमको भी देखो, सीखो सीखो हमसे भी सीखो। लॉन्ग लेग्स है, शॉर्ट ड्रेस है, टाइट बॉडी है, टाइट जीन्स है, ऑल शेप्स ओरिजिनल्स है। लगती हो तुम हीरोइन जैसी, कोई चांस तो मुझे भी मिलेगा जानम। फूल पे गिरेगी कभी तो शबनम। देखो हमको भी देखो, सीखो सीखो हमसे भी सीखो। देखो देखो हमको भी देखो, सीखो सीखो हमसे भी सीखो। Look man, wow chick। मनीषा कोई रला, तेरी कमर है रंगीली उर्मिला। ए तेरी शेप है काजोल के जैसी, तेरी अदाएं हैं बिपाशा जैसी। तुमसे होगा ब्यूटी कॉम्पिटिशन, तुझे छूलू दिल में होता है टेम्पटेशन। ऐश्वर्य राय जैसी ये तेरी आंखें, पल पल चपकती है ये तेरी पलकें। देखो देखो हमको भी देखो, सीखो सीखो हमसे भी।
आओ बेटी, कैसा लगा कॉलेज बेटी? बहुत अच्छा है दादाजी। रुकिए पिताजी रुकिए, बच्ची को लेकर भला उस तरफ कहाँ चले? अंदर जा रहे हैं, पहले बाहर देखना होगा। क्या देखना है? यही तो अक्कल की बात है, बच्ची को कॉलेज में भर्ती कराना है तो कॉलेज के अंदर देखने से ही काम नहीं चलेगा पिताजी। कॉलेज के बाहर, कॉलेज के अंदर, कॉलेज के उस तरफ, कॉलेज के इस तरफ, चारों तरफ देखना होगा, तभी पता चलेगा कि कॉलेज अच्छी है या नहीं। इस कॉलेज में लड़के लोग सिगरेट बहुत पीते हैं। ये बात तुमसे किसने कही? जरा उस तरफ देखिए, आहा एक, आहा दो, आहा तीन, आहा चार, चार चार सिगरेट की दुकानें हैं, मतलब यहाँ के लड़के सिगरेट बहुत पीते हैं। यहाँ तुम लोग क्या कर रहे हो? कमान क्लास में जाओ, गो, गो, यहाँ पे कोई नहीं होना चाहिए, तुम लोग भी जाओ, जाओ जाओ जल्दी जाओ, गो गो। नमस्ते जी। नमस्ते। ये कॉलेज भला कैसा कॉलेज है? इस कॉलेज का कहना क्या है, वंडरफुल कॉलेज है, अगर एक शब्द में कहूँ तो मंदिर है। यहाँ पे पढ़ने वाले सारे बच्चे छोटे देवता हैं, उन्हें पाठ पढ़ाने वाले लेक्चरर लोग बड़े देवता हैं, और इन सब का देखभाल करने वाले प्रिंसिपल सबसे बड़े देवता हैं। उस प्रिंसिपल को रोजाना 3 बार फोड़ कर नारियल, हर रोज 3 बार झुक के करना चाहिए प्रणाम। इस तरह पूजा पाठ करे तो भी कम है। आखिर ये प्रिंसिपल है कौन? मैं हूँ। आइए। तो यही कमरा है? हाँ जी। सब ठीक तो है ना? एक, दो, तीन, चार, कुल मिला के 4 फुट का भी नहीं है। इसका भाड़ा कितना है? 2000। एक साल का? नहीं, 5 साल का। चलो अच्छी बात है। दिमाग खराब हो गया है, 1 महीने का। महीने के 2000 रुपए? नहीं चिल्लर। अरे बहुत ज्यादा है, कुछ कम कीजिए ना। अरे सौंदर्य रुको, अभी भाड़ा सेटल नहीं हुआ, कम कीजिए ना कुछ, थोड़ा नीचे आइए, थोड़ा नीचे। हॉस्टल रूम और रेलवे स्टेशन में क्या बार्गेन करते हो? दे दो। इतने सारे रुपए खर्च करके पढ़ाने से फायदा क्या होगा? प्रवेश टल जाए इसलिए। ब्लैकमेल? नहीं, हौरा मेल। दे दो। ये लीजिए मैडम 2000। देखो बेटी, जो मैंने बोला याद है ना? ये शहर है, यहाँ इधर उधर घूमे बगैर चौकन्ना रहना होगा। एक बार सर झुकाओ, ऐसे ही रहना होगा। सुनो बेटी, जिंदगी में बाप रे। मैंने सर झुका दिया दादाजी, आप कुछ मत बोलिए, सर चकरा रहा है। कहाँ गया वो नाटा लड़का? मैं नाटा जरूर हूँ लेकिन लड़का नहीं हूँ। तुम्हें अगर लड़का लगता हो तो ये मेरा भाग्य है। आप नहीं, आपकी तरह दिखने वाला वो नाटा लड़का। कौन? राज प्रताप? हाँ, वो कहाँ गया वो शैतान? पिताजी पिताजी, अलमर नहीं कुल रही है। अरे राज प्रताप, राज भैया, बाप रे, पिताजी भैया अंदर फंस गया है। पिताजी यहाँ बिल्कुल अंधेरा है। म्युनिसिपैलिटी वालों को बोला कि अंदर ट्यूबलाइट लगाऊंगा तो अंदर क्यों गए गधे की औलाद? पिताजी मत मारिए बेचारा भैया। तू सर नीचा कर, नीचा कर। क्या हुआ, क्या हुआ यहाँ पर? मेरा पोता अलमारी में फंस गया मैडम, उसकी चाबी कहाँ है? अलमारी की चाबी, कमरे की चाबी, सब के सब खो दिया इन लड़कियों ने। इस अलमारी की चाबी नहीं है जी। हाय दैया, अभी अलमारी कैसे खोलेंगे? उसके लिए एक ही रास्ता है, सामने वाले बॉयज हॉस्टल में जाइए, वहाँ राम नाम का हिंदी बोलने वाला अमेरिकन लड़का है, बुलाते ही आएगा, आते ही अलमारी खोलेगा। अलमारी खोलने में वो माहिर है क्या? मेरे हैंडबैग से लेकर बॉडी जी के कमरे तक छोटे बड़े हर ताले को खोलने में वो लड़का नंबर 1 है। देख क्या रहे हो, जल्दी बुला लो। अभी बुला कर लाता हूँ। उसका नाम क्या बता? राम। राम 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 राम। यस। हे यू, आप ऐसे उल्टे क्यों खड़े हैं? उल्टा मैं नहीं खड़ा हूँ मेरे बाप, तुम खड़े हो। अच्छा, चमगादड़ की तरह क्यों लटक रहे हो? राइट, यू आर राइट, आई वाज रॉन्ग। देखो, आई चंद्र सिंह, आई बेटा पास वाले हॉस्टल के कमरे की अलमारी में फंस गया है, फंस गया है। नो चाबीज, ओनली लेडीज। अरे बाप रे, ये अंग्रेजी मेरे बस की बात नहीं भाई। मेरा नाम चंद्र सिंह, मेरा बेटा पास वाली अलमारी में फंस गया है। लड़कियों ने बताया कि तुम हर ताला खोलते हो, इसलिए फौरन आके मेरे बच्चे को बचा लेना प्लीज। कहाँ? सामने वाले हॉस्टल में, रूम नंबर 18। रूम नंबर 18, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड कॉर्नर, फोर्थ रूम। मेन डोर पर लॉक नहीं है, बाथरूम में नल नहीं है, राइट? मेरे बाप, उस कमरे के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। मेन डोर को ताला है कि नहीं, नल में पानी आता है कि नहीं, भगवान ही जाने। मेरा बच्चा अलमारी में फंस गया है, जल्दी चलोगे तो जिंदा बच जाएगा, वरना बुश। कपड़े जल्दी बदल लो, चलो। ए मैन, ये कपड़े नहीं है। ये कपड़े है? या तुम्हें या है तो मुझे भी या है। कम बदन पे पाउडर डाला है, पॉन्ड्स साबुन इस्तेमाल करती हो, लक्स आंखों में काजल लगाया है, आई टेक्स, राइट?
तुम्हारा नाम है सौंदर्य लक्ष्मी, डॉटर ऑफ ठाकुर चंद्र सिंह, राइट? तुम्हारी एज 18, हाइट 5'7", वेट 53, लकी नंबर 3, राइट? ओए माँ, पिताजी। मेरे बाप, बेटी की कुंडली बाद में देख लेना, पहले मेरे बच्चे को बचा लो। ओके ओके सिंधु, तुम जरा जाके वहां खड़ी हो। हट जा, हट जा, हट जा। दादाजी, बच्चों बाहर निकल। पिताजी। नो 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 नो, तुम्हारी माँ बहुत खुश हो जाएगी, पिताजी वहाँ है। पिताजी, दीदी। पिछवाड़ा तो खुला पड़ा है, ये तो हमें पता ही नहीं था। सारी बात सब जान जाए तो जानकारी शब्द का मतलब ही नहीं होगा ना। पिताजी। आ जा मेरे बच्चे। सिंधु, कल हम दोनों कॉलेज में मिलेंगे, राइट? तुम इस तरह सर झुका के चलती हो ना, इसीलिए वो लफंगे सर पे बैठ जाते हैं। सर उठाओ ना। नहीं बाबा, पिताजी ने कहा कि शर्म से झुकी नजरें और झुका सर ही एक लड़की का आभूषण है, मैं कभी सर नहीं उठाऊंगी। ए सिंधु, लड़कियां सिर्फ दो मौकों पर सर झुकाती हैं, एक जब वो गलती करती हैं, दूसरा शादी के वक्त। मिस्टर राम, तुम बेकार की बातें कर रहे हो। हेलो, तुम्हारी अक्कल कहाँ गई? पहले मैचिंग के बारे में सीखो, उसके बाद किस तरह बात की जाती है वो सीख के बात करो। ओके, बाय सिंधु, सी यू। ए रुक, देखने तो दो। ओए माँ, किसी को नहीं पता चला, उसे कैसे पता चला? सिर्फ लहंगे का रंग ही नहीं, उसके बदन में कहाँ कहाँ तिल है, क्या क्या जन्म कुंडली है, क्या खाती है, क्या पीती है, सब जानता है वो। कोई जादू टोना जानता होगा, ऐसे कैसे बोल सकता है? तू चल। क्यों राम, लड़कियों के ड्रेस और एड्रेस इस जगह उस जगह से लेकर हर बात सही सही बोलते हो, ऐसा मुझे सुनने में आया है। बचपन में किसी शमशान घाट में लाशों के साथ बैठ के मंत्र सीखा है। ये जादू है कोसी सीखी। यानी पहले पैंट के अंदर अंडरवेयर पहनो। तुम्हें कैसे पता? साइड पार्किंग। छे छे, आजकल के बच्चों को देखकर चुल्लू भर पानी में डूब मरने को जी करता है। सॉरी, इट्स ओके, पर्सनल मैटर है। या प्रोसीड। गांधी जी कौन है पूछने पर इंदिरा गांधी का परदादा बताते हैं, अगस्त 15 क्यों मनाते हैं ये पूछने पर शाहरुख खान का जन्मदिन है बताते हैं, जनगण मन किसने लिखा पूछा तो पीके मिश्रा बिना पीके लिखे बोलते हैं, मुझे तुम सबको पाठ पढ़ाने में इंटरेस्ट ही नहीं है। घर में रेस्ट नहीं मिलता है, बाहर भी रेस्ट नहीं मिलता है, और इंटरेस्ट कहां से आएगा? शट अप। ठीक है, सब लोग अपने अपने किताब निकाल कर पढ़ना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो। देखो, मेरी दोनों कनपटियों के बीच में सेंटर पॉइंट में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं अपनी उंगलियों से यहाँ दबा के आंखें बंद करके आईब्रो को लॉक करके लेट जाता हूँ। जब तक मैं इसे रिलीज ना करूँ तुम लोग कोई आवाज नहीं करोगे। जब कोई चोर चोरी करने के लिए आता है तब जो खामोशी होती है बिल्कुल वही खामोशी रहनी चाहिए। अंडरस्टैंड? यस सर। ओके स्टार्ट। सर उठाओ। ओए माँ, सर नहीं उठाऊंगी, पिताजी ने मना किया है, सर उठाए बिना ही पढ़ाई पूरी करने को कहा है। अगर तुमने सर नहीं उठाया तो मैं कुछ कर डालूंगा। कोई बात नहीं, नहीं उठाऊंगी, नहीं उठाऊंगी, नहीं उठाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए उठवा कर ही रहूंगा। मुंजा निम्बी तातू। तुम्हारे सर पर चिपकली। ओए माँ, तुम तो एक नंबर के बंडलबाज निकले, मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं करूंगी। मैंने अभी तक आईब्रोज रिलीज नहीं किया, कौन चिल्ला रहा है? ऑफिस गया। किसने बताया? ऑफिस गया, ऑफिस गया। अबे बेवकूफ, तेरी खोपड़ी में गोबर भरा है, तू अपने पैर पे खुद अपनी कुर्सी रख के उस पर बैठ कर तू चिल्ला रहा है। तुझे तो यहाँ नहीं विधानसभा में बैठ कर चिल्लाना चाहिए। हेलो हेलो, 204 रामपुर? नहीं, 2042 रामपुर। ये 204 रामपुर नहीं है? कहा ना 2042 रामपुर। अरे बाबा, यही तो मैं भी कह रही हूँ, 204 रामपुर। मैं भी वही कह रहा हूँ। देखो बेटी, जिंदगी में। अरे बाप रे, दादाजी आप बोल रहे हैं? सौंदर्य लक्ष्मी तुम हो, कैसे पहचान लिया आपने दादा को? जिंदगी का सबक सिखाने वाले सिर्फ आप एक ही है ना दादाजी? देखा बेटी, तकिया कलम का कितना फायदा होता है, एक तेरा बाप है जिंदगी का सबक ही नहीं सीखा। कैसी हो बेटी? क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? दादाजी, यहाँ पे ना सब पाखंड और बदमाश लड़के रहते हैं, बैठती हूँ तो खड़े होने को कहते हैं, खड़ी होती हूँ तो रुलाते हैं। अरे जाने दो ना। दादाजी आप भी ना, मुझे पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, मैं वापस घर आना चाहती हूँ। कौन? सौंदर्य का फोन है ना, कॉलेज पसंद नहीं बल्कि रो रही है ना, मुझे मालूम था ऐसे ही होने वाला है। तू चुप रह, ऐसा कुछ नहीं है। हेलो, हॉस्टल इतना अच्छा है, सुपर है, इधर लाइए। हेलो सौंदर्य, मैं दादाजी बोल रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, पिताजी बोल रहा हूँ। कैसे कट रही कॉलेज की जिंदगी?
मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मैं घर आना चाहती हूँ। तो फिर क्या तेरे दादाजी सुपर यूरिया खाद बोल के बोल रहे हैं? रुको तो सुनिए पिताजी, उसका वहाँ जी भर गया है, जबरदस्ती करेंगे तो जहर पी के मर जाएगी। बकवास बंद, मुझे तो सुपर कहा था, इधर ला। हाँ बेटी, मैं जानता हूँ बेटी, तू पढ़ाई छोड़ के यहाँ आ गई तो तेरा बाप किसी लुच्चे लफंगे को ढूंढ के तेरी शादी करवाएगा। तू सर मत उठाना, रख दो। बेटी वहाँ खुश है, बेटी वहाँ खुश है, बेटी वहाँ खुश है। तुम ऐसे क्यों घूर रहे हो? तेरे जैसा झूठा बाप दुनिया में ही नहीं होगा। तुमने ये क्या बंदरों की हरकत? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, वो राम का बच्चा उस लड़की को लाइन मार रहा है, उसकी वजह से वो लड़की मुझे घास नहीं डाल रही है। इस वक्त वो बाथरूम में है, मैं उसकी इज्जत के साथ कैरम बोर्ड खेलूंगा। गुड मॉर्निंग। सिनेमा हॉल की बालकनी और कॉलेज का बाथरूम हम जैसों के लिए बेडरूम है। मैं नहीं चाहती, मुझे जाने दो। ओके। किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। एक किस दे दो, मैं चला जाऊंगा। मेरे सर पर हाथ मत डालो, मेरे दादाजी डांटेंगे और मेरे पिताजी मुझे मारेंगे। हाँ हाँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं हाथ छोड़ती हूँ, चले जाओ। हाँ हाँ। चुम्मा 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 चुम्मा। ए चलो आ जाओ, पकड़ो पकड़ो, बटालियन आगे बढ़ो, बायने मोड आगे बढ़ो, एक बार फिर आगे बढ़ो, अब छोड़ दो, चलो 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 निकलो। मुझे किसने मारा, किसने मारा मुझे, किसने मारा? सर सर सर, वहाँ बाथरूम में मार रहे हैं। कौन? स्टूडेंट्स। कैसे? हाथ से। आहा, कितना शांत वातावरण है यहाँ, अगर थोड़ी सी शराब मिल जाए तो पी के यहीं आराम से सो जाऊं। क्या हो रहा भाई यहाँ पे? अरे कुछ नहीं, बस आदमी आदमी के काम आता है। वेरी गुड, मेरे लायक काम हो तो बताना, जरूर बताना। मेरी इज्जत पर उसने हाथ डाला। चल, मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। मेरे घर वालों ने कभी मेरे आंखों में आंसू नहीं आने दिए, लेकिन यहाँ गुंडे मवाले और पाखंडी रहते हैं। मैं अपने गांव वापस जा रही हूँ और यहाँ नहीं रुकूंगी। उठ रे। ओ, हेलो 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 हेलो, वेट बेबी, बैड बैड बैड, पहले ये नल बंद करो। दैट्स बेटर। किसी का एक्सीडेंट हुआ इसलिए सड़क पर वॉक नहीं करूंगा कहना जितना गलत है, किसी इडियट के सताने से बुरिया बिस्तर बांध के विलेज को गोइंग बैक उतना ही गलत है सिंधु, वेरी बैड। कॉलेज में ये सब होता ही है, सब एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं। रैगिंग तो मोस्ट नेचुरल। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये ले लो, वो मेरी बात ले लो, अमेरिका से जब परिशुद्ध हिंदी सीखने आया तब मैं कैसा था जानती हूँ? ये देखो। वेरी फनी नो। मैं इस तरह का मैं क्यों बन गया जानती हो? नेसेसिटी, परिस्थिति, वातावरण, क्लाइमेट। व्हेन यू आर इन रोम, बी ए रोमन कहा करते हैं। हर बार हर हालात को जानकर आगे बढ़ना है, यू शुड गो फॉरवर्ड, तभी जिंदगी के शतरंज में तुम जीत सकोगी। तुम्हें इस कॉलेज में कैसे रहना है, क्या क्या करने से कामयाब हो जाओगी, ये मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा। पूरा कॉलेज एकजुट होके तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहेगा। ओके
उनकी क्लास तुम लोगी या फिर शुराई? नो नो, आई टेक केयर ऑफ देम। सो बॉयज, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? आए, हम इंडियंस हैं, यानी भारतीय, मतलब हिंदुस्तानी। क्या कहा? तुम लोग शक्ल से हिंदुस्तानी लगते हो, कभी आईने में अपनी शक्ल देखिए। नेक्स्ट। इतने बड़े कॉलेज में फूलों के पीछे पढ़ने वाले भवरों की तरह तुम्हारे पीछे हम पड़ गए हैं। लेकिन तुम हम सबको ठोकर मार के अमेरिका वाले के साथ घूमती हो। डोंट टॉक नॉनसेंस। पहने हुए पैंट अमेरिकन, उसके ऊपर टी शर्ट जापानीज, पैर के जूते ताइवान और हाथ में जो स्टिक्स है वो सिंगापुर। अपने पास इतने सारे फॉरेन चीजें रख के मेरे साथ एक फॉरेन फ्रेंड को देख के तुम्हें खुजली क्यों हो रही है ब्लडी फूल? स्टॉप। घोड़ों को चने मिलने पर और बच्चों को छुट्टियां मिलने पर कितनी खुशी होती है ना? सो इन छुट्टियों में कॉलेज में जो भी पढ़ाया गया है वो घर पर अच्छी तरह याद कर ले तो परीक्षा में पास होना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ओके, तुम लोगों ने दोबारा ताली क्यों बजाई मैं जानता हूँ। मैं अपना मुंह बंद रखूं इसलिए ना। इस बार छुट्टियों में कौन कौन कहाँ कहाँ जाने वाला है बताओ, क्योंकि उन सब जगहों के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। टेल मी प्लीज, मिस्टर अमेरिका, तुम? जी मैं सर। यस। पटना में मेरे दादाजी हैं। हाँ। वहाँ जाके कानपुर में मेरी बुआ से मिलके सोनागाची, वही सोनागाची आप जानते ना? थोड़ा थोड़ा। सोनागाची में एक आंटी है, उसके हालचाल पूछ के चंडीगढ़ जाके वहाँ मेरे चाचा से मिलके, वहाँ से सीधा अहमदाबाद जाके मेरी काकी का दर्शन करके, नासिक में मेरे जीजा से मिलके, भोपाल जाके मेरे मामा जी से मिलके, ग्वालियर के रास्ते आगरा पहुँचूंगा। बहुत सारे जगह जाके अपने रिश्तेदारों से मिलने वाले थे, लेकिन तुम तो यहाँ गिटार बजा रहे हो। मैं सोची तुम शाम को ही निकल गए होगे। क्यों नहीं जा रहे हो? नहीं जा रहा हूँ। क्यों नहीं जा रहे हो? मेरे इस दुनिया में सिर्फ तीन ही लोग हैं। कौन है वो? राम राम राम। यानी तुम्हारा अपना कोई नहीं है? क्यों नहीं है? कॉलेज में सारे फ्रेंड्स हैं, थिएटर जाओ तो ऑडियंस, और ट्रेन में सारे पैसेंजर, सब मेरे अपने हैं, मैं ऐसा ही समझता हूँ। लेकिन छुट्टियों के दिनों में तुम्हारी तरह सब अपने अपने गाँव चले जाते हैं, तब ट्रेन छूटने के बाद सुने सुने प्लेटफॉर्म की तरह महसूस करता हूँ। उस वक्त लगता है काश मेरा भी कोई हो जो मुझे अपने गाँव बुलाए, बस ऐसे ही तो कितना अच्छा होगा। अच्छा, अगर तुम कहीं और नहीं जा रहे हो तो मेरे साथ मेरे गांव चलो। तुम्हारे गांव? अच्छा है क्या? बहुत अच्छा है। ग्रीन फील्ड्स, बड़ी बड़ी नदियाँ, पहाड़ के ऊपर मंदिर, मंदिर के पास बरगद, पेड़ के नीचे नागदेव। वेरी पावरफुल, यू नो, अपने मन की हर इच्छा पूरी कर देते हैं। Really? तुम हैप्पीली मेरे साथ चलो और मस्ती से छुट्टियाँ मनाओ। प्लीज राम, प्लीज। ओके, आई डोंट माइंड। बाबूजी बाबूजी बाबूजी, चलकर मेरा सामान उतार दीजिए। बाबूजी, सामान उतारने के लिए मैं क्यों चलूं? दरवाजे पे और कोई नहीं है बाबूजी, जल्दी चलिए वरना गाड़ी निकल जाएगी। सर पे सामान है बाबूजी, मैं चढ़ नहीं सकती, मुझ पे रहम कीजिए, मेरी मदद कर दीजिए बाबूजी। ओके ओके ओके, मैं आ रहा हूं। आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। वेट वेट वेट, मैं आ रहा हूं। आइए, ए पहले बॉक्स दो, बाद में तुम्हारा। अरे आ जाओ, अरे हाथ पकड़ो, मुझे भी आ। चलो 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 चलो। अरे बीबी जी, आप सौंदर्य बीबी जी है ना? आप साहब साहब और आप है ना? नया नया प्यार है और हनीमून पर जा रहे हैं। शादी भी हो गई? Shut up. What the hell are you talking, Ram? वो हमारे बीच जो आगे होने वाला है अभी से बता रहा हूँ। वैसे हमारे बीच ये प्यार व्यार नहीं है और होगा भी नहीं। चलो, तुम्हारा अपना कोई नहीं है, जाने दो, सोच के तुम्हें अपने साथ लेके जा रही हूँ। इसके अलावा हमारे बीच कोई प्यार व्यार नहीं है और उम्मीद भी मत करना। ओके ओके, कम ऑन कम ऑन। सिंधु, इसे लेके जरा उस तरफ रखो। ये क्या बीबी जी, इतने खूबसूरत दोस्त के होते हुए आप ही चिड़चिड़ के बातें कर रही हैं? बाबूजी, रामपुर में मेरी टूरिंग टॉकीज है, अब जब भी वहाँ आएंगे फ्री में फिल्म दिखा दूंगी। हाँ। अरे वाह, मुझे फिल्म देखना बहुत अच्छा लगता है। आई विल कम। ये फिल्म दिखाने वाली, तुम्हारा नाम क्या है? चमेली। आई लाइक यू। वो तुम बहुत अच्छी हो, मुझे बहुत पसंद हो। ये क्या बाबूजी, आप हिंदी अंग्रेजी की तरह बोल रहे हैं? That is why हिंदी अच्छी तरह बोलने के लिए ही इंडिया आया हूँ। आपको हिंदी से इतना प्यार है, आपका तो मुंह चूमने का मन करता है। ए चमेली, इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही है हिला हिला के? मिलके दो मिनट भी नहीं हुए, इतने में चपकने लगे, तुझे देखने से खुन्नस चढ़ रही है। ये सिंधु सीधी तरफ प्यार के चक्कर में नहीं पड़ेगी, इस चमेली की मदद से इसे लाइन पर लाना होगा। ओके ओके। Okay,
पता नहीं सौंदर्य किस डिब्बे में बैठी है। आप एक बार देखो, हम एक बार देखे था। ठीक है तुम उधर जाओ, हम इधर जाते हैं, चलो। हाँ भाई पकड़ो। अरे भगवान, गाड़ी आ गई, अब तो जाग जा। ओफो, मैं बीच बीच में जाग तो रही हूँ। हाय ग्रैंडपा। चल घर जो, हट जा। अरे चंदर। हाय डैड। अबे हट, कहाँ है सौंदर्य लक्ष्मी, दिखाई नहीं दे रही है। वो तो ठीक है पिताजी, वो कहाँ चला गया पता नहीं, लेकिन अपनी सौंदर्य कहाँ है? अरे तू फिर आ गया। अरे जाना। अरे चंदर, दरअसल जिंदगी में कमाल हो गया, ये हमारी सौंदर्य लक्ष्मी है। मैं तो इसे कोई लड़का समझ रहा। मैं भी वही सोच रहा था पिताजी। सुनो बेटी, तुम वाकई हमारी सौंदर्य लक्ष्मी हो ना? ओ दादाजी, मैं सौंदर्य लक्ष्मी नहीं हूँ, आई एम सैंडी। अरे बाप रे, नामों बदल गया है। यस, ये क्या हुलिया बना रखा है बेटी, कैसी सीधी सादी घरेलू लड़की बन के गयी थी, अब अंग्रेजी मेम बन के वापस लौटी है। ओ मॉम, ये सब सिटी फैशन है, यू नो। मैं क्या जानूं तुम्हें किसने सिखाया? मेरी फ्रेंड राम ने। वैसे राम कहाँ है? वेयर इज राम? मेरे अंगन में मैं तुम्हारा क्या काम है। हे राम, कम हियर, कम। हेलो मिस्टर दादाजी, हाउ आर यू? अच्छा हूँ बेटे। Meet my mother. Oh no, she's not your mother. Yes. ये तो sister जैसी हैं. So young, so beautiful. ये कौन है? Super color है. आपकी बहन? नहीं बेटे, वो मेरी धर्मपत्नी है, रूपी. रूपी? Very funny. बड़ा काम का नाम है, रूपी डॉलर जैसा. Hello, Mr. सिंधु के पिताश्री. How are you? Cheers. Cheers. आपकी बेटी सिंधु मुझे यहाँ गांव घुमाने के लिए लाई है। घूमने फिरने के लिए अच्छा गांव नहीं है, बोर है। नो नो नो, आई लव इंडिया, मेरा भारत महान, स्पेशली हिंदुस्तानी गांव की होमली लड़कियाँ मुझे बहुत पसंद है। जननी जन्म, आई एम सॉरी, मेरा भारत महान। सौंदर्य लक्ष्मी, सौंदर्य लक्ष्मी, सौंदर्य लक्ष्मी यहाँ है। आई ओ सौंदर्य लक्ष्मी, एक मिनट। ऐ चम्मच के बच्चे, बाहर निकाल गुलाब का हार। आई धत तेरी मजा का, रस्सी है लेकिन गुलाब कहाँ गया? दौड़ते हुए आए हैं ना, इसलिए रास्ते में बिखर गए होंगे। सॉरी सौंदर्या, ये रस्सी अपने ही गले में डालो। वैसे ये मेरा दोस्त राम है। राम, ये हमारे गांव का प्रेसिडेंट नगराज सिंह। ओह हेलो, चीयर्स कहो। ये रेलवे स्टेशन है, कहीं पुलिस ने पकड़ ली तो? पुलिस यहाँ नहीं है, बोल दो ना। चीयर्स। सी यू। अरे सिंधु, ये प्रेसिडेंट तो एकदम नमूना है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा। ए, चम्मच के बच्चे, साहब जी, उसका इसके साथ क्या कनेक्शन है? भाई बहन का रिश्ता लगता है जी, जोश फिल्म में शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की तरह। ऐसा ही संबंध इनके बीच भी हो सकता ऐसा है। ऐसा ना हो तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे जी। ओह इवनिंग, सॉरी फॉर द डिले। कम राम, सिट डाउन। हे, खाना नहीं खाओगे? पेट में गड़बड़। वेरी सॉरी राम, सुबह से डैडी उनके पेट में प्रॉब्लम है। हाँ, वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, छाछ पीने से चली जाएगी। उसे छाछ पीने दो या लस्सी, तुम तो शुरू करो, बुरा नहीं मानोगे ना? नो फॉर्मेलिटीज। वेरी गुड, प्लेट प्लीज। ये क्या है, बड़ी खुशबूदार है। मलाई कोफ्ता बेटे। हाँ नाइस नाइस, आई लाइक दिस। ये तो वाकई लाजवाब है। पानी, ये क्या दादी माँ ऐसे स्लीपिंग कर रही हैं? ये आदत अब की नहीं है बेटे, जब मेरी शादी हुई तब से पड़ी है ये आदत। एक सुहाग रात को क्या जाग गई थी, देखो अभी तक सो रही है। Is that so? दादी माँ, इतनी जल्दी सुबह हो गई? दादी माँ, आप खाना खत्म करते ही अपनी जीभ से अपने तालवे को छूने की कोशिश कीजिए, उसके बाद नींद नहीं आएगी। यू डोंट स्लीप एट ऑल। वो कैसे बेटे? मैं 5 मिनट के लिए गार्डन में वॉक करके उसके बाद सोने जाऊंगा। बाय सिंधु, गुड नाइट।
क्यों पिताजी, सब कुछ खा के खत्म कर दिया उसने। ये अमेरिका वाला हर बात में बहुत तेज है। बेटी सौंदर्या आ तो गया है, लेकिन सुबह उसको भगा दो। डैडी, अगर वो चला गया तो मैं कॉलेज जाना बंद कर दूंगी और पढ़ाई खत्म। बंद कर दो, किसे चाहिए तुम्हारी पढ़ाई। दादाजी देखो बेटी, लड़का अमेरिका और तुम हो इस देहात रामपुर की, चार दिन के अंदर यहाँ से उसे फुर करा दे, समझी। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संचा प्रवर्तते। सूरज उगा सुबह हुई, सबके दिल में फूल खिले। गोमाता को वाला दूहे, हल धर निकले खेती करने। सूरज उगा सुबह हुई, सबके मन में फूल खिले। बछड़ा बाका दूध पीता, नंदी खड़े सब कुछ देखे। सूरज उगा सुबह
सुबह हुई सबके मन में फूल खिले गो माता को वाला दूहे नंदी खड़े सब कुछ देखे कबड़ी 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 मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरा पलंग सरका के रखो दोनों के बीच इतना फासला होना चाहिए ये क्या है नौकरानी ने सफाई करते समय ऐसा कर दिया जी नौकरानी का मार के मुंह तोड़ दो उल्टी सीधी हरकत करती रहती है गुड मॉर्निंग आंटी जी क्या हुआ अंकल जी सुबह सुबह कुछ बिगड़ रहे थे कुछ नहीं बेटा दोनों पलंग के बीच इतना बड़ा फासला होना चाहिए कहते हैं पलंग थोड़ा पास आ गया तो जोर जोर से चिल्ला रहे अरे ये क्या बात है पति पत्नी को तो हमेशा एक साथ होना चाहिए आप लोगों का डबल बेड नहीं है नहीं है बेटा इन्होंने टीवी पर जब से अंग्रेजी फिल्म देखी है ना तब से मुझे देखते ही बंदर की पूछ में आग लगी ऐसी कूद फांद कर पलंग अलग कर दिया नेचुरली आग पर पांव रखने से पांव जल जाएगा लेकिन वो जलती आग बनना है आपको मुझे या आपके चेहरे पर हमेशा परेशानी का नकाब है औरत सजदज के खुश रहेगी तभी आदमी अट्रैक्ट होगा ये क्या बेटा इस उम्र में नो 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 दैट्स रॉन्ग मन की कोई एज नहीं होती है आपको कब कैसे रहना है उसकी कुछ टिप्स देता हूँ उसके बाद अंकल जी बटरफ्लाई की तरह मतलब तितली की तरह नहीं बेटा भंवरे की तरह सेम थिंग वो बनके आपके चारों ओर गुनगुनाते हुए आएंगे मेरे पिताजी इतने मोटे हैं उड़ते कैसे आएंगे वाओ आंटी जी ओह नो ये साड़ी जरा नीचे सरकाइए और नीचे लिटिल मोर ओके अब अंकल जी आपको देखेंगे तो रात को डबल बेड गो कौन है मल्लिका मेरी साली तो आ गई समझ गया मेरी लुगाई इतनी सुंदर कैसे हो सकती है इतनी फड़फड़ाती साड़ी नहीं पहनेगी सोला सिंगार नहीं जानती कुछ भी कहो साली आधी घर वाली होती है जब मैं लड़की देखने आया था ना तो तू ही मुझे बहुत पसंद आई थी लेकिन भगवान ने मेरी किस्मत फोड़ दी तेरी बड़ी बहन को मेरे गले डाल दिया रानी तुम ही हो इतनी सुंदर कैसे हो गई तुम्हें देखता हूँ तो मंगनी के दिन की याद आती है ये सब कैसे हुआ वो अमेरिका वाला लड़का खूबसूरत बने का सारा तरीका जानता है उसी ने मुझे सजा के इतना खूबसूरत बनाया लगता है उसके हाथों में जादू है कुछ भी हो कल तक वो यहाँ नहीं रहना चाहिए शाम की गाड़ी से ही भगा दूंगा अरे पलंग इतनी दूर कैसे हो गए तुम जो सोचते हो वो मिल जाता है आज कौन सी मदद मांगी है पहले तुम बताओ पहले तुम अच्छा हमारी फ्रेंडशिप हमेशा ऐसे ही चलती रहे फॉरएवर यही मांगी मैंने वेरी गुड हाय भैया आप यहाँ हैं मैं आपको ढूंढते गांव के कोने कोने पहुँच गई और आप मुझे यहाँ पे मिले कल मेरे थिएटर में लगी फिल्म में भी दीपिका पादुकोण रणबीर कपूर को ऐसे ही ढूंढ रही थी जैसे ही वो सामने आ गया गम लगाए वॉल पोस्टर की तरह उससे चिपक गई मेरी नजर में बाबूजी आप रणबीर कपूर से कम नहीं अच्छा मैं दीपिका पादुकोण बन जाऊं तो मुसीबत बन गई है रणबीर कपूर राम को जहां भी देखती हो क्यों पीछे पड़ जाती हो बात सुनो चमेली तुम जब भी मेरे पास दौड़ के चले आती हो तो किसी लड़की के चेहरे पर बिच्छू के काटने जैसी जलन से लाली आ जाती है तुम उसकी परवाह मत करना आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए बीबी जी किसी फिल्म में श्रीदेवी भी ऐसी ही थी अनिल कपूर को इतना प्यार करती थी उसे मन में दबा के उसे बेच देती है उर्मिला मटोंडकर अनिल कपूर को खरीद के उसकी जिंदगी में खुशी भर देती है और फिर नाचने लगती है श्रीदेवी बैठ के पछतावे में रोती है बकवास बंद कर मुझे किसी का सब कुछ भी नहीं है तू जिस काम के लिए आई है वो जाके कर जा मैं किस काम के लिए आई हाँ आज रात को ना तेरा सर कुछ चल के मार डालूंगी ए सिंधु तुम जरा इस तरफ आओ तुम मुझे इतना चाहती हो Do you like me so much? बहुत बहुत चाहती हूँ
क्या ना, मैं जो भी कहूंगा तुम करोगी। सूरज पे चढ़ के चांद पे कूदने को कहेंगे तो अभी कूदूंगी। बाप रे, उबल रहा है तेरा प्यार। ऐसा है तो तुम्हारे लिए एक छोटा सा टेस्ट है। वो क्या बाबूजी? जीभ से नाक को टच करना है। क्या 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 करना है? सिंपल, अपनी जीभ से नाक को टच करोगी तो तुम्हारे मन में मेरे लिए प्यार है। एक दिन की मोहलत देता हूँ, करके दिखाओ। ठीक है बाबूजी। हाँ बाबूजी, आपके लिए मेरा दरवाजा हमेशा। फिलहाल दरवाजा बंद करके मैंने जो कहा वो ट्राई करो। जाओ सिंधु, तुम भी आजमा सकती हो, नो ऑब्जेक्शन। मुझे कोई शौक नहीं है ना आजमाना है, पहले चलो। चलो। अरे गांव वालों को जीभ निकालने की बीमारी लग गई है, जीभ निकाल के नाक को लगाना कौन सी बड़ी बात है। चलो मैं भी कोशिश करता हूँ। सुनिए, आप क्यों बेकार की कोशिश करते हैं, ये आपसे नहीं होगा। जो भी काम करता हूँ हौसला बिगाड़ना छोड़कर हौसला बढ़ाकर आगे बढ़ाने के बाद कभी तुम्हारे भेजे में आती ही नहीं। बेबी, ये तो पट गई। ए चोर, ट्राइंग नहीं नहीं ऐसे ही। ट्राई ट्राई। ये क्या जी, रात भर जीभ को इतनी तकलीफ दी, सुबह सुबह फिर से शुरू हो गए। कोशिश कर रहा हूँ भगवान। जब कोई फायदा नहीं है तो कोशिश क्यों, बेकार में सांस फूल जाए। गुड आफ्टरनून। आओ बेटे, आओ खाना खाओ। अच्छा बेटे, जितना भी कोशिश कर रहा हूँ ताला बाहर आ रहा है लेकिन जीभ से नाक नहीं छू पा रहा हूँ। दादाजी, राम ने उस दिन उसे टालने के लिए ऐसा कहा था, आप क्यों बेवजह उसे आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जीभ से नाक को टच करने वाला कोई नहीं है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं हूँ ना, मैं नाक से जीभ छू सकती हूँ। यहाँ मैं अपनी जीभ से नाक टच कर सकती हूँ। तुम टच करोगे? सचमुच? आपके सर की कसम। चलो छू के दिखाओ। अच्छा। अमेरिकी बाबूजी ने क्या कहा था, जीभ से नाक को टच करने के लिए, यही कहा था ना? हाँ वही वही। तुझे शर्म नहीं आती? नाक को टच करने के लिए कहा था, पर किसकी नाक को नहीं कहा ना बीबी जी, इसलिए मैंने ऐसा किया। गलत किया हो तो मुझे माफ कर दीजिए। नो 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 नो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, टेस्ट का यही आंसर है, तुम जीत गई। राम, तुम्हें इसी वक्त इसके साथ दोस्ती तोड़नी होगी, नहीं तो मैं क्या करूंगी मैं खुद नहीं जानती। देख चमेली, तो फिर कभी मेरे घर पे आई तो तेरे पैर तोड़ दूंगी। गेट आउट। मैं समझ गई बीबी जी, अमेरिकी बाबूजी से आपको लव हो गया है, इसीलिए ये सब हो रहा है। ठीक है बीबी जी। बाबूजी, आपको जब भी मुझसे मिलना है हम बाहर ही मिलेंगे, आपके लिए मेरा दरवाजा हमेशा खुला ही रहेगा। आई विल कम। राम तुम्हें तो देखो बेटी सौंदर्य, जिंदगी में ये मारूंगी। ए चमेली, क्या कर रही हो? तुम्हारे लिए ही मैं सो रही हूँ बाबूजी। वो क्यों? वो ऐसा ही है, सोऊंगी तो सपने देखूंगी, सपने में तुम आओगे और तुम्हारे आने से बहुत मजा आता है, इसीलिए मेरा हमेशा सोने का मन करता है। मुझे इस कदर चाहती हो? चाहत नहीं, मेरी जान हो। मैं जो खाती हूँ वो अनाज, जो पीती हूँ वो पानी, जो लेती हूँ वो सांसें, सब तुम ही हो। अरे अरे अरे, यानी नस नस में बसाया है मुझे। आई ऑल्सो लव लव यू। ज
झूमा झूमा दिल मेरा दीवाना तेरे प्यार का। साल से बंद पड़ा तेरा ये द्वार मेरे जीते जी खुलेगा कि नहीं राम जी। दादी माँ आपके हाथ जल रहे हैं। हाथ जल रहे थे दादी माँ। जलते हुए हाथों को तो तुम देख सकते हो लेकिन दिल जो जल रहा है उसे कौन देख सकता है बेटा। आप ये क्या कर रही हैं? हाँ बेटा
रोज मेरा यहाँ आके दिया जलाना और तेल खत्म होने तक इसे मुझे से बचाना और बचाते हुए हाथों का जलना। पिछले 30 सालों से ये चलता आ रहा है। फूलिशनेस। आप सीतापुर के भूषण सिंह जी की पत्नी हो। तुम कौन हो बेटे? मैं रामपुर के प्रताप सिंह जी के घर आया हूँ। प्रताप सिंह के घर पे आए हो? चले जाओ, मुझसे बात मत करो, चले जाओ, चले जाओ। अरुंधति आंटी की शादी के बाद पिछले 30 सालों से ये गांव खून खराबे में बर्बाद हो गया। भोले भाले लोगों की इस गांव में खून की नदियां बहने लगी। गांव के 2 टुकड़े हो गए। न जाने कितने लोग तबाह हो गए, कितने ही अपनी जान गंवा दी और कितने मासूम बच्चे अनाथ हो गए। इसी वजह से बचपन से ही प्यार और शादी के नाम से मुझे डर है। मेरी जिंदगी भी मेरी आंटी की तरह न हो जाए, यही प्रार्थना करती हूँ। अच्छा सिंधु, ये शादी की प्रॉब्लम वगैरह हुए काफी अरसा हो गए ना, अभी भी ये लोग पागलों की तरह क्यों लड़ रहे हैं? वेरी वेरी फनी। यही गांव की खासियत है बेटे, यहाँ प्यार को पालते हैं, जानवरों को भी पालते हैं, वैसे ही सीने में नफरत की आग को भी पालते रहते हैं। जरा सोचिए दादाजी, बदला लेने के चक्कर में ये गांव के 2 टुकड़े करके क्या हासिल हुआ है? इस गांव के बड़े आदमी आप हैं, उस गांव के बड़े आदमी भूषण सिंह हैं। आप आपस में बात करके इत्मीनान से कोई समझौता कर सकते हैं ना? क्या कहा? भूषण सिंह से समझौता? आसमान और जमीन के बीच समझौता हो सकता है, लेकिन वो भूषण सिंह के साथ नहीं। असल में इस गांव में जो भी दंगे फसाद खून खराबा हो रहा है उसके जिम्मेदार कौन है? वो भूषण सिंह है, वो इंसान नहीं है, इंसान के भेद में भेड़िया है। उस प्रताप सिंह के चौकट पे दिन रात काम करके उस कमीने के बेटे के साथ तूने अपनी बेटी का ब्याह तय किया है। और डालूंगा, याद रखना। रोक दो, यह रिश्ता मुझे मंजूर नहीं। जाओ। सुनिए, एक बात कहूँ? पास आके बोलो। मेरा मतलब, पास आके बोलो, इधर आओ, कान में बोलो। बेचारा, बेचारे की शादी ना होने दो, यही ना। जाओ इधर। ए शंकरलाल, दोबारा उस गांव की तरफ मुड़ के भी देखा तो तेरा घर जला दूंगा, याद रखना। अब जा। तुम यहाँ क्यों आए हो बेटे? इंसान के खून से होली खेलने वाले भेड़ियों को देखने के लिए आया हूँ। देख लिया ना, समझ गए हो ना? सैकड़ों मासूमों की जान बचाने के लिए एक भेड़िए का शिकार करना कोई पाप नहीं है, ऐसा क्यों कहते हैं? ये मैं समझ गया। मंदिर के पास हाथ जल रहे दादी माँ कह के मुझ पे प्यार दिखाया था, उसी प्रेम से मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम इस गांव के झगड़े में नहीं पड़ोगे, ये मुझसे वादा करो। जो निभाया नहीं जा सकता वो वादा बेकार है। मालूम नहीं, गांव में नया आया है। ए, अरे इधर आ, देख क्या रहा है। अरे आना। क्यों रे, मुझसे क्या काम है रे तुझे? ए, मुझे रे कहता है। तू मुझे रे कहेगा तो मैं तुझे रे नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा रे? इज्जत तो देख के लिया जाता है रे फूल। अरे तू मुझे इज्जत सिखा रहा है ना, चल मैं तुझे लाठी सिखाता हूँ, सीख ले। ए बाजे वाले, तुम लोग बजाना शुरू करो, कम ऑन। आजा पहलवान। Oh,
सो गए पहलवान? ये क्या, हमारे गांव में आके हमारे आदमियों को मारता है? उसकी इतनी हिम्मत? चलो सब लोग उसके और उसे हमारे गांव में भेजने वाले के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। चलो हमारे गांव वालों को मार के हमारी इज्जत का कबाड़ा करने के लिए भैरव सिंह और उसके आदमी हथियार लेके निकल पड़े हैं। इतनी हिम्मत उन लोगों की? जब तक उनके हाथ पर नहीं काट दूंगा ये प्रश्न नगराज चैन की सांस नहीं लेगा। मेरी बात सुनिए। चुप हो जाओ। मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात सुनो नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मेरी बात सुनो बेटे, उसे खत्म करके ही आऊंगा। चलो चंदन चंद्र सिंह मेरी बात सुनो। दादाजी तुम रुको, तुम नहीं जान सिंधु। अरे क्या हुआ चंद्र सिंह? हमारे गांव के किसी ने भूषण सिंह के आदमी की पिटाई की, ये जानकर उनके लोग हथियार लेके आ रहे हैं और हमारे गांव वाले भी मुकाबले के लिए जा रहे हैं। भगवान जाने क्या होगा। अरे उसे मारने वाला तो मैं हूँ। तुम? हाँ मैं, मेरी वजह से गांव वाले लड़ना नहीं चाहिए, मैं उन्हें रोकता हूँ। मेरी बात सुनो, गांव के मामले में तुम आराम। किसने किसको मारा, किसने मारा, ये जाने बिना शुरू हो गए? इस गांव से उस गांव में जाने वाला मैं था, तुम्हारे गांव वाले ने बदतमीजी की इसलिए उसे मारा था मैंने। उसे तुम दोनों गांव वालों का कोई लेना देना नहीं है, मेरी वजह से आप लोग मत लड़ो प्लीज। क्यों रे भाषण दे रहा है? तेरी तो सबसे पहले तेरी खबर लेता हूँ। स्टॉप इट, अगर किसी को मारना है तो मुझे मारिए, खून बहाए बिना यहाँ से नहीं जाना है तो मेरा खून बहाइए। इस गांव में मेहमान बन के आए हुए मेरे लिए तुम लोग मत लड़ो, मेहरबानी करके यहाँ से जाइए प्लीज, चले जाइए। वो बाढ़ बांध दो। जी ठाकुर। देखते क्या हो, फिर से बाढ़ लगा दो। राम। सौंदर्या को हमने ही तो कॉलेज में भर्ती करवाया, पढ़ाई पूरी करने से पहले शादी की बात की तो पिताजी नहीं मानेंगे। तेरी मजा का, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सबको मैं उल्लू बनाता आया हूँ और आप मुझे उल्लू बना रहे चंदन अंकल। वो अमेरिका वाला लौंडा आपकी पनाह में रहकर एक हीरो लेवल तक पहुंच गया है और ये बात मैं नहीं जानता तो मैं आप भी नहीं हूँ अंकल। पूरे गांव में भी यही टॉक है। वो है हीरो, आप है जीरो। सुनिए सुनिए, वो है नंबर वन, आप है बिना गोले की गन। बात सुनिए बात सुनिए, दरअसल आपके दिल के अंदर में क्या बात है वो बेझिझक छोटे ठाकुर से बता दीजिए। चंदन अंकल, शादी भले कभी भी कर दीजिए लेकिन लड़की हाथ से निकल जाए इससे पहले आपको मंगनी ताबड़तोब कर देनी होगी। वैसे ही होगा, जो भी हो तुम ही मेरे दामाद हो, मंगनी की तैयारी कर लो। धत तेरी मजा का, टन टन आई चलो। आइए आइए, आप लोगों की इस तरह की मंगनी के सीन में देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। पिताजी थाली ले लो। मुझे भूख नहीं लगी बेटे। अरे रे रे, उस थाली की बात नहीं, इस थाली की बात कर रहा हूँ। ये सब क्या है? सगाई। किसकी पिताजी? तेरी ही बेटी। ये शादी कभी नहीं होगी। ए सिंधु सिंधु, कूल कूल कूल। ये शादी क्यों नहीं होगी? शादी करना तुम्हें पसंद नहीं? आई मीन यू डोंट लाइक इट। राम, मुझे ये शादी पसंद नहीं है। धत तेरी मजा का, भूखे नंगे गांव वालों से लेके बड़े बड़े शहर वालों तक तुम ही मेरी बीवी बनने वाली और सबको मालूम हो चुका है। इस प्रेसिडेंट नगराज के बारे में तुम नहीं जानते। अच्छों के लिए मैं हूँ वफादार कुत्ता और बुरों के लिए मैं बोर्ड होने वाला गधा। गधे की लात नहीं खाना है तो फौरन शादी कर लो। यू सी पगला राज, तू जितना भी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के अपना गला फाड़ेगा आखिर में दम घुट के रो रो के मरेगा। सो प्लीज कूल डाउन। सी सिंधु, तुम इस बात को खींचो मत। हाँ, बिना खींचे शॉर्ट में बताओ, तुम्हें इससे शादी करना पसंद नहीं है या शादी ही पसंद नहीं है? टेल मी द ट्रूथ। चीची, इसकी शक्ल से ही मुझे घिन आती है। क्या इतनी बुरी है मेरी शक्ल? पूरे गांव में यही टॉक है। दया करके कोई सच मत बोलिएगा,
कुछ सच्चाई मैं जानना चाहता हूँ। सी सिंधु, इसके फेस को हटा के दूसरा कोई फेस, तुम्हारा मनपसंद कोई शंकर सिंह या तुम्हें पसंद करने वाला कोई शंभू सिंह, ऐसा कोई है तो बताओ। बोलती क्यों नहीं, आखिर तेरा फैसला क्या है, इस पर क्यों चिल्लाता है? तुम बोलो बेटी, इस घर में 30 साल बाद होने वाला पहला शुभकार है तुम्हारी शादी। तुम्हारे मन में जो भी है उसे बेफिक्र होकर हिम्मत से कहो। मैं अपने मन की बात कह देती हूँ, आप सब लोग कान खोल कर सुन लीजिए। अरुंधति आंटी के साथ जो हुआ वो सुन के मैंने फैसला किया कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी, लेकिन अब हाल ही में मैंने अपना मन बदल दिया। अगर मेरी शादी होगी तो इस राम से होगी। Hey baby, what do you mean? क्या बोल रही हो, तुम राम से शादी करोगे? हाँ पिताजी, इस राम के अलावा अगर आपने भगवान को भी लाके खड़ा किया तो मंगलसूत्र के लिए अपना सर नहीं झुकाऊंगी, यही मेरा फैसला है। किसी और से शादी करने के लिए मजबूर करेंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। पागलों की तरह फैसला लोगी तो इस घर में लाशें गिरेंगी। घर में ही नहीं चंदर अंकल, पूरे गांव में लाशें गिरेंगी। सोच समझ कर फैसला कर लो, सौंदर्य लक्ष्मी की शादी फौरन होनी ही चाहिए। सौंदर्य लक्ष्मी की शादी होकर रहेगी मिस्टर पगले, लेकिन वो तेरे साथ होगी या मेरे साथ, इस पर क्लैरिटी चाहिए। हे अमेरिका, इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे तेरा ही हाथ है, ये अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें कहाँ कब और कैसे मानना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, चलता हूँ। नगराज, नगराज सिंह। बेटे मेरी बात पे तुमने अमल करके दिखाया। कभी शादी नहीं करूंगी कहने वाली सौंदर्या से, कभी शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी कहलवाया। मेरा मान रख दिया तुमने। नाना जी, मैं अमेरिका से मुंबई आया, फिर मुंबई से दिल्ली आया, दिल्ली से गुड़गांव आया, गुड़गांव से कॉलेज आया, फिर कॉलेज से इस विलेज में आया हूँ, तो वो सौंदर्या के गले में मंगलसूत्र पहनाने के लिए और मेरी माँ के सपने को साकार करने के लिए, राइट? बिल्कुल होगी, धूमधाम से होगी। सब लोग शादी करने के लिए प्यार करते हैं, लेकिन हमने प्यार किया है इस गांव को बदलने के लिए। अच्छा सिंधु, बढ़िया चांदनी है, हसी फिजा भी है और तुम भी जबरदस्त लग रही हो, कुछ रोमांस वोमांस हो जाए।
सदा तुम पे मैं हूँ फिदा, सारा वास्ते में आया है दिल। बाहों में भर लूं, तेरे होठों को छूऊं, दिल कहता है मेरा तेरा अंग छू लूं, बदन ये तेरा फूलों के जैसा किसी की नजर ना लगे। प्यार में ये आई आई आई, तेरे प्यार में खुशबू महक में लगी, थोड़ी करने दे अब दिल लगी। मेरा तन मन हाजिर है, अब देर न लगा, मैं साजन हूँ तेरा तुम मेरे दिल रुबा। नहीं तो मेरे बस में नहीं हूँ, तूने क्या कर दिया प्यार में तेरे प्यार में। हमारे परिवार की बेइज्जती हो गई थी, तो उस अमेरिका वाले के साथ घूम के हमारी नाक कटाना चाहती है, तुझे शर्म नहीं आती? हाँ, घूमोगी, मैंने उसे प्यार किया है और शादी भी करने वाली हूँ, इसमें गलत क्या है? शर्म नहीं तुझे, माँ बाप के सामने ज़बान चलाती है? जवान लड़की पर हाथ उठाता है। मेरे पिताजी को मेरे सामने मारते हो बुड्ढे। दादाजी पर हाथ उठाता है तुझे? क्योरी मेरे पोते को मारती है। क्योरी बहू को मारती है। हेलो एक्सक्यूज मी, ये क्या सब लोग बारी बारी से एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हो? क्या ये आपके घर का रिवाज है? रिवाज नहीं स्वराज है। सर, इस तरह थप्पड़ मारने से हमारी समस्याओं का हल नहीं निकलेगा। इस सीन में तेरे कैरेक्टर को डायलॉग ही नहीं है। इस घर में एक दूसरे को बारी बारी चाटा मारने की वजह तू है, तू है। नेचुरल नेचुरल, इस उम्र में थप्पड़ खाने से इस तरह इमोशनल हो जाना लाजमी है। इट्स ओके इट्स ओके। तू से कहना तेरा डायलॉग नहीं है। इतना जोर से क्यों चिल्लाते हो? छत उड़ जाएगी। इस घर का बुजुर्ग आदमी मैं हूँ, क्या करना है मैं जानता हूँ, तुम अंदर जाओ। अगर मेरा दिल चला है तो गृह प्रवेश करना पड़ेगा। जाओ अंदर जाओ, तुम क्या कर रही हो? जाओ तुम भी जाओ, सब लोग जाओ जाओ। अरे 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 नाना जी, वो सब कभी के चले गए। सब भागे। कैसे चला कैसे चला यार? मुंह चलाने के काम में आपकी कोई टक्कर नहीं है, ऐसा नानी माँ बोल रही थी। बोली क्या? हाँ चंदर, दुखी क्यों हो? ऐसी हालत में मैं आपके सामने आऊंगा, ख्वाब में भी नहीं सोचा था पिताजी। क्या हुआ? मैं कुछ मांगों का बुरा नहीं मानेंगे ना? अरे नहीं, बुरा मानने की क्या बात है, ज्यादा से ज्यादा आज जो हुआ उसके लिए माफी मांगने आया हो, यही ना? माफी मांगूंगा? छी, माफी नहीं मांगूंगा पिताजी। फिर किस लिए? दारू चाहिए। एक चंदा, तुझे दारू पीने की आदत है? 25 साल से पी रहा हूँ, आपको पता नहीं है, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए 3 पैक पीऊंगा, नहीं तो नींद नहीं आएगी। मेरे पास स्टॉक खत्म हो गया है, मजबूर होकर आपके पास मांगने चला आया। एक बच्चा अपने पिता से दारू मांग रहा है, एक बाप होने के नाते मुझे माफ कर दोगे? मुझे उम्मीद है ये बात मैं किसी से नहीं बताऊंगा, माँ से भी नहीं बताऊंगा। आपका चरणदास, आपका सेवक आपसे विनती करता है। पिताजी पिताजी,
मेरे लिए दारू लाने गए हैं या मारने के लिए डंडा लाने गए हैं? हाँ पिताजी, ये लो बोतल। अरे वाह, खुश कर दिया आपने। तुमने तीन पे पूछा, मैं बोतल लाया। डालो डालो डालो। चलो जी। चंदन, जिंदगी में नहीं, चीयर्स। पिताजी, मेरे बारे में क्या सोचते हो बताओ? आप नया क्या सोचना है? देने दो। सच बताओ, मेरे बारे में क्या सोचते हो? दारू चढ़ गई, छोड़ा। दारू पीते ही तो मन की बात बाहर आती है, बताओ ना सच सच क्या है। अगर आपने सच सच बता दिया तो आज की रात ही मेरा जीवन बदल जाएगा। अब बताइए पिताजी, आप मेरे बारे में क्या समझते हैं? इतना पूछता है तो बता ही देता हूँ। तू दिल का अच्छा है लेकिन हरकतें अच्छी नहीं। बदन बड़ा है, अकल छोटी है। तू सेंटिमेंटल टाइप नहीं, कमर्शियल टाइप है। एक लफ्ज में बोलना है तो तू मेरा बेटा ही नहीं लगता। आपके बारे में मैं बताऊं? ज्यादा तारीफ किए बिना, ज्यादा खींचे बिना तीन टुकड़े में बोलते हैं। बूढ़े होके कब्र में पैर लटका के बैठे हो लेकिन अकल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही अकल नहीं है। पति के मामले में बेकार, बाप के मामले में बेकार, कुल मिला के बेकार ही बेकार। तुम्हारी औलाद होके पैदा होना पाप है, अभिशाप है। क्या कहा तूने? तुम एक नीच कमीने इंसान हो। सगाई के दिन तुमने जो राजनीति की वो छोटी मोटी नहीं है। दोपहर में जो एक दूसरे को चांटा पड़ा उसके लीडर तुम हो। दोपहर में अगर मैं जोश में आ जाता तो रामपुर फिर से दो टुकड़े हो जाते। तेरा रामपुर हो जाता, मेरा रामनपुर हो जाता। अबे ओए बूढ़े, मेरा पावर ज्यादा है, काट के रख तू का। अबे बूढ़े, सबके सामने मारा, अकेले में मारा, ये कैसा मारना हुआ? तेरी आंखों को क्या मैं मंदिर का घंटा नजर आता हूँ जो इस तरह बजाए जा रहा है? नहीं है, घंटा कर रहा है। फिर बजाया। इधर देख, तू एक पल भी इस घर में नहीं रहेगा। कल फिर मेरे सामने नजर आया तो टुकड़े टुकड़े करके खेत में फेंक दूंगा। निकलो बाहर, निकलो। अबे भास्कर, छी छी, रात को कुत्ते की तरह डांट खाके अब बेशरम होके गाना गा के खा रहे हो, बाहर निकलो। बेटा, अगर शर्म आ गई तो कुत्ते में और मुझ में फर्क क्या होगा? हम इंसान हैं, बुजुर्गों की गालियों को दुआ, उनके चांटों को आशीर्वाद समझ के ले लेना चाहिए। जाओ कहो तो जाने के लिए, हम ऐसे वैसे खुददार थोड़ी है। वो क्या है पिताजी? अरे कुछ नहीं बेटे, मेरे पिताजी मुझे जितनी भी गालियाँ दे, मैं चट्टान के जो बैठा हूँ ना, वही खुददारी है। ओ, बेशर्मी का नाम है खुददारी। अबे तेरी तो, अरे छोड़, उसने सही तो कहा। मुझे बेशर्म कहता है, मेरी बेशर्मी को खुददारी कहता है नालायक। यहाँ पर बेशर्म कौन है, पूरी दुनिया को पता है। नालायक, मुझे बेशर्म कहता है, जान से मार डालूंगा। घर छोड़ के जाने के लिए कहा तो तू यही पड़ा है, निकलो बाहर, निकलो। अरे छोड़िए ना पिताजी, सुबह सुबह मजाक करे, चलो ना बैठ के बात करते। अरे सुनो सुनो तो, देखो कौन आया है। अरे शर्म कौन आया, देखना है? तू इंसान है, तुझमें शर्म है तो एक बार निकलने को कहा तो निकलना चाहिए। जाओ। सम पीपल, कुछ लोग इस तरह गाली खाने से शर्म के मारे बाहर निकल जाते हैं। वो कैरेक्टर तो दूसरे हैं, बाहर जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और कुछ है तो बोलो। बैठे जी, इस कमबख्त को अमेरिकन स्टाइल में बाहर निकालो। यहीं पर आपका सेंटिमेंट आपको बांधे रखा है। घर, गांव, शहर, देश सब छोड़कर आए एक विदेशी के हाथों मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो, लेकिन खुद गर्दन में हाथ देके निकाल सकते हो? नहीं ना। लेकिन क्यों? तो इंसान नहीं है इसलिए। नहीं, यहीं पे बाप बेटे का सेंटिमेंट आता है, इसीलिए तो मैं यहीं रह गया हूँ। करेक्ट, आपका बेटा बड़ा सेंटिमेंटल कैरेक्टर है दादाजी। आप जितना भी खोसिए, डांटिए, धक्का मार के बाहर निकालिए, He won't go out. बाहर नहीं जाएंगे। अरे बहुत हो गया, चुप कर। मेरे घर में ही बंजारी की तरह घुसकर मेरी बेटी को झाल में फंसाए हो, तुम यहाँ से बाहर जाओ। अगर इनको बाहर जाने को कह रहे हैं तो मैं भी घर से निकल जाऊंगी। पागलों की तरह बात करोगी तो काट के रख दूंगा, समझी? बेटा चंदर, अब जाके ये शादी के लिए मान गई है, उसकी मर्जी के मुताबिक राम से ही शादी करा देना, हम सब खुश रह सकते हैं। तू भी यही रह सकता है। तुम्हें और पिताजी को उस नगराज सिंह पर गुस्सा है इसलिए मेरी बेटी को अमेरिकन के हाथों दे रहे हो, लेकिन एक बात याद रखो, जैसे टीवी में बोलते हैं मेरा भारत महान, जब तक इस देश में मैं हूँ, मेरे शरीर में प्राण रहने तक किसी भी सूरत में इस अमेरिकन से मेरी बेटी की शादी नहीं होगी। सॉरी ससुर जी। ससुर जी, आपके चिल्लाने से लगता है कि ये इंडिया अमेरिका की प्रॉब्लम है, पर हम दोनों की मैरिज शादी की प्रॉब्लम नहीं लग रही है। तू क्यों डायलॉग बोल रहा है? hey! तुम रुको बाबू, क्या है? तेरी बेटी को राम बेटे के हाथ में सौंपने में क्या तकलीफ है? इसमें क्या कमी है?
अमिताभ बच्चन की पर्सनालिटी, स्वामी विवेकानंद जैसा ज्ञान, बिल गेट्स जैसी अकलमंदी, टाटा बिरला की तरह धन दौलत है क्या? जाने दो और थोड़ा नीचे सोचते, मेरे जायदाद की आधी भी है ये क्या? पता तेरे पास फूटी कौड़ी भी है? इनके साथ रह रहकर तू भी बिगड़ गई है, ये सारी जायदाद मुझे नहीं तो किसको दोगे? पागलों की तरह बात मत कर, शराबस इन दोनों की शादी कराता है या बाहर जाके गृह प्रवेश करता है? गृह प्रवेश की बात करके क्यों डराते हो पिताजी? ठीक है, आपके कहे मुताबिक अपने मन को मार के शादी के लिए मान लेता हूँ, लेकिन ये अमेरिका वाला इस गांव में क्या करेगा? ससुर जी क्या करना है बोली? करता हूँ। कहते ही करने के लिए कोई किराने की दुकान नहीं है, एग्रीकल्चर मेहनत का काम है। सुबह सुबह उठ के गिलास दूध पीने से नहीं चलेगा, दूध धोना भी है, दूध देने वाली भैंस को चराना होगा, खेत जोतना है, बीज बोना है, खाद डालना है, फसल काटनी है। बहुत मुश्किल है बेटा, ये तेरा काम नहीं है। बेटे तू है अमेरिका, मैं हूँ यहीं का, नहीं होगा, छोड़ दे छोड़ दे। ससुर जी आपने जो जो कहा वो सब करके नंबर वन किसान बन के दिखाता हूँ, उसके बाद आप हम दोनों की शादी करा देंगे? बोलो पिताजी, तब तो मंजूरी देंगे ना? बोल रहे, बोलता क्यों नहीं? भूत बन के क्यों खड़ा है, बोलना कुछ कहिए ना। तुम सब अपना मुंह बंद करोगे? तुम एक काम करो, फिल वक्त हमारे पास गांव के बाहर 100 एकड़ बंजर जमीन है, कल से वहां तुम खेती बाड़ी शुरू कर दो, वहां तुम क्या उखाड़ोगे मैं भी देख लूंगा। सोना उगाएगा, देखेंगे, देखते हैं। अमेरिकन चैलेंज चैलेंज क्या तम झम है? साहब पूछ रहे हैं, मेरे अमेरिकन जीजा के लिए हेल्पिंग सामान है। अभी तक शादी नहीं हुई फिर भी जीजा गाँव में यही था, बच्चे ने भी कर दिया कन्फर्म। इस परिवार वालों ने अग्रोस अमेरिके वाले की मदद की तो ये चैलेंज कैंसिल। हाँ उतना ही कैंसिल है। कोई तेड़मबाजी करके दूर से हराने के चक्कर में है ये मैं जानता हूँ। बेटी सौंदर्य लक्ष्मी तू इधर आ। ये बात नहीं दादाजी, राम ये सब काम नहीं जानता, अगर हम में से किसी ने उसकी मदद नहीं की तो वो अकेला क्या करेगा? मैं हूँ ना दीदी जी, अमेरिकी बाबू को कोई भी काम हो दिल खोल कर मैं कर दूंगी ना। दस तेरी मजाक का, तू उसके पक्ष में है, नहीं हो सकता जाओ। ए, मेरे से पंगा लिया ना तो तेरी सारी काली करतूत दुनिया के सामने रख दूंगी। राम कली का हाथ पकड़ के किसने बेशरम होकर उससे सैंडल की मार खाई, आधी रात को मंगला के घर की दीवार कूद के किसने कुत्ते की काट खाई, ये सारी बातें बाहर आएंगी, या तो इस पर या उस पर, बोल क्या करेगा? हाँ साहब उधर देखिए हीरो एंट्री कैसे मार रहा है। देखो बाबूजी, भैंसी का चरवाहा जांगिया पहरे के बजाय मुकाला मुकाबला खाना का हीरो के माफिक बिलायती बाबू बन के आ रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ चीयर्स चीयर्स। मुझे अब क्या करना होगा? इस तबेले में पूरे 20 भैंस हैं, कुछ देशी कुछ विदेशी, हिसाब लगा के देखो तो वहाँ से लेकर यहाँ तक इनको चारा डालने के लिए 20 मिनट लगते हैं। तुम नए हो इसलिए तुम्हें 30 मिनट देता हूँ, चलो डालो। इस तरह से नाइंसाफी है, बेचारा नया है इस काम में, कम से कम एक घंटा तो दे। मैं पहले ही बोल चुका हूँ यार, डिस्काउंट रिबेट नहीं चलेगा, करना है तो करे वरना हार गया बोल के अमेरिका जाने के लिए बोल दो। नो 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 नो, मुझे कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए, आई विल डू इट। सिंह नहीं, वो हमको चरा दिया है भूसा। ससुर जी बुरा मत मानिएगा, आपने आधे घंटे का टाइम दिया था, 5 मिनट्स में फिनिश। क्यों रे, अभी भी पूरे 25 मिनट बाकी है, कहो तो इतनी देर में तुझे भी घास भूसा खिलाए। ये कोई बड़ा कमाल का काम नहीं हुआ, यहाँ पे विलायती भैंस है जो 5-5 लीटर दूध देती है। सिर्फ 3 लीटर तो मिलता है। कुछ नहीं मालूम, तू चुप कर, 5 लीटर देती है। 10 भैंसों का 50 लीटर दूध हुआ, तुम्हें धोना होगा, कर सकोगे? बाबू का हाथ में जादू है, तू है बगैर ही झरना जैसा दूध बह रहा है,
अरे बाबूजी हम तो हार गए। दस तेरी मजाक का, छुट्टी मनाने के लिए गांव आया था, अब वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा ये। ए घोचू, हम पढ़ाई करते हैं कुछ कर दिखाने के लिए। मैंने पढ़ाई अमेरिका में की, लेकिन कर दिखाऊंगा यहाँ पे। Everything is here. हम सब समझ गए बाबू, अभी यहीं रहेगा, यहाँ से कहीं जाएगा नहीं। अब देर काहे की, बिटिया का ब्याह रचा दे ना। अरे मुंह बंद कर, ये तो कुछ नहीं है, असली चैलेंज बाहर है। अबे चंदर, जिंदगी में इस 100 एकड़ बंजर जमीन को जोत कर तुम्हें नंबर 1 उपजाऊ जमीन बनानी है। इसमें क्या है? वेरी सिंपल, इसे वेरी सॉरी, धरती माँ का आशीर्वाद हो तो मिट्टी से भी सोना उगेगा। लोकल ट्रैक भी वही है जी। तेरी मजाक का, जो कुछ करना है तुझे अकेले ही करना होगा। तेरा हाथ बटाने के लिए तुझे यहाँ कोई नहीं मिलेगा। चारों तरफ के गांवों से कूली या मजदूर तुझे नहीं मिले, ऐसा मैंने इंतजाम कर दिया है। ए बिलायती बाबू, भोर होते ही काम चालू करना है। अकेला ही जोतना है, अकेला ही बोना है, अकेला ही सींचना है और अकेला ही फसल काटना है। समझ गया ना? सब कुछ अकेला ही। कहा देखा तो चलो सब लोग। देखो बेटे, जिंदगी में जिंदगी में ये बात है बेटी, जिंदगी में वो तो मैंने सुन लिया है। नेक्स्ट डायलॉग क्या है? जिंदगी में, जिंदगी में के लोगों के नाक में दम कर दिया है। कम ऑन नेक्स्ट, जिंदगी में क्या है? मुझसे छोटे हो फिर भी मुझे माफ करो, क्योंकि आज तक देखो बेटे जिंदगी में कहते ही लोग रुकने को कहते थे, इसलिए मैं वहीं पे फिक्स हो गया हूँ। इतने सालों बाद तुम अमेरिका से लौट के उसके बाद क्या है दादाजी पूछोगे, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। 100 एकड़ बंजर जमीन, बहुत बड़ा चैलेंज, सिंगल पर्सन, उस तरफ सिंधु, इस तरफ जिंदगी में कुछ कर दिखाना पड़ेगा। पिछले 20 सालों में इस राज्य में जो कोई भी नहीं कर सका हो वैसा अत्याधुनिक पद्धति से खेती बाड़ी करके अधिकतम पैदावार करने वाले रामकुमार को मुबारकबाद देते हुए कृषि मंत्री होने के नाते मैं उन्हें कृषि पंडित की उपाधि प्रदान करता हूं। इसके अलावा रामकुमार को राज्य सरकार की ओर से 1,00,000 रुपए की नकद राशि पुरस्कार में देता हूं। नमस्कार, मुझे ये अवार्ड मिलने में 3 लोगों का खास योगदान है, चंद्र सिंह जी, नगराज और चुन्नू। यस, ये लोग बात बात पे कहते थे कि मैं हार जाऊंगा और भाग जाऊंगा, लेकिन मैं जीत जाऊंगा कभी नहीं कहा। अरे रे 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 रे, पता चलता तो नहीं बोलते। मुझे ये मुकाबला जीतने के लिए सही वक्त पर सभी चीजें सप्लाई करने वाले नागार्जुना फर्टिलाइजर्स वालों का और महिंद्रा एंड महिंद्रा वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बात है, 1,00,000 रुपए का ये इनाम इस गांव के सीताराम मंदिर को मैं दान देता हूँ। हे अमेरिका, पिछले 3 साल से मंदिर बंद पड़ा है,
उसके बारे में सारी दुनिया भूल चुकी है। तुम फालतू में दे रहे हो ये डोनेशन। बिना जन्मे बच्चे को नाम और बंद पड़े मंदिर को दान, दोनों बेकार। नो, जल्द ही वो मंदिर खुलेगा। 30 सालों से बंद पड़े उस मंदिर के दरवाजे खोलने में कौन रुकावट है, ये तुम अपने आप से पूछो तो जवाब मिल जाएगा। और यही नहीं, अपने वादे के मुताबिक चंद्र सिंह जी अपनी बेटी सौंदर्य लक्ष्मी का हाथ मेरे हाथों में देने वाले हैं। क्या कहते हैं ससुर जी? अब उल्लू जैसा क्या बैठा है, लोगों के सामने बोलना। अरे कहा सोच रहे हैं, बोल दीजिए ना सबके सामने। वादे के मुताबिक मैं अपनी बेटी का हाथ उस अमेरिकन के हाथ में देने के लिए राजी हूँ। तीस सालों से जिन दो खानदानों में रंजिश चली आ रही है, अपने फायदे के लिए उसे दो गांव की समस्या बना दी मैंने। जब तक हम जिंदा हैं, तुम मेरे साथ में रहकर रामपुर का प्रेसिडेंट बने रहकर मेरी मर्जी मुताबिक काम करते आए, और उससे जो फायदा हुआ है वो मैं जानता हूं। दत्त तेरी मजाक का, क्यों नहीं जानते? गांव के दो टुकड़े होने के बाद मंदिर बंद पड़ गया और मंदिर चलाने की जिम्मेदारी भी बंट गई। दोनों गांव के हम दोनों अलग अलग प्रेसिडेंट बनके अपनी हुकूमत चला रहे हैं। हमारी पोल खुलना जाए इसलिए बार बार कोई ना कोई समस्या खड़ी करके लोगों को आपस में लड़वा के ऐश करते आए हैं। जानते हो ना, तो कृषि पंडित का इनाम उस अमेरिका वाले ने जो मंदिर के नाम पे दान कर दिया, उसमें जरूर कोई चाल है, ऐसा मुझे शक है। दत्त तेरी मजाक का, उसका काम तमाम चुटकी में कर दूंगा, कोई शक है तुम्हें? अब तक तुम दोनों ने जो नाटक किया उसका पर्दाफाश करके असलियत को बाहर लाने के लिए ही इतने दिनों से यहां नजर रखी हुई थी। यहां पर यह मीटिंग बुलाने के लिए ही वहां उस मीटिंग में मैंने ऐसा कहा था, जैसा सोचा वैसा ही निकला। तुम दोनों को एक साथ गांव वालों के सामने खड़ा कर दूंगा, दोनों गांव को एक कर दूंगा। उसका तुझे मौका मिलेगा तभी ना। खत्म कर दो उसे। ये बात गांव वालों को पता चले उससे पहले खून की नदी बह जानी चाहिए, और इस गड़बड़ी में लोग हमारी बात भूल जाएंगे। जाओ तुम अपने गांव के लोगों को लेकर हमारे गांव पर हमला करो, मैं अपने गांव वालों को लाकर तुम्हारे गांव पर हमला करूंगा। दत्त तेरी मजा का, अभी तक हमारे लोगों ने उस अमेरिका वाले को खत्म कर दिया होगा। Thank you.
उस अमेरिका वाले ने हमारे आदमियों को मारा ये जानने के बावजूद उसे कुछ भी किए बिना वो काला करके आ गए। वहीं पे उसके सर को काट के गली के कुत्तों को खिलाना था। जल्दबाजी मत कीजिए बाबूजी। कब किसे कैसे ठिकाने लगाना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। खून की कीमत वही जाने जिसने खून बहाया हो। खून का बदला खून। फौरन अपने आदमियों को भेज के वहीं पे उसे खत्म करके उसकी लाश को हमारे आंगन में फेंकने के लिए कहो। माजी, बेटे तुम चले जाओ। चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक सच बताना होगा। कैसा सच? आपको चाकू मारने वाला रामपुर का प्रेसिडेंट नगराज था ना? बताइए माजी। मेरे गांव के लोग आने वाले हैं, तू चला जा बेटा। पहले आप सच बताइए, आपको चाकू मारने वाला नगराज था ना? नगराज ने मुझे नहीं मारा, मैं नहीं जानती हूँ कौन था। ऐसे साहब, अब आप जा सकते हैं। ऐसे साहब, प्लीज रुकिए। देखिए, ये दो गांव की समस्या है। अगर मैं इसमें फंस गया तो भैरव सिंह और नगराज सिंह की दुश्मनी से सिर्फ नौकरी ही नहीं मेरी जान भी जाएगी। हकीकत में हुआ क्या यहाँ कोई नहीं बताएगा। चलता हूँ। पुलिस के सामने सच बताने के लिए क्यों डर रही हैं? सच बताऊंगी तो कितने मासूमों की जान जाएगी तुम नहीं जानते। मुझे मारने वाला तुम्हारे गांव का प्रेसिडेंट नगराज है। अगर ये बात मेरे दामाद जान गए तो बहुत खून खराबा हो जाएगा। असल में सारी समस्याओं की जड़ है आपका दामाद और हमारे गाँव का प्रेसिडेंट। इस खेल में उन दोनों की मिली भगत है, मैंने खुद देखा है। इस बात को लोगों के सामने लाना है, आप सच बताइए प्लीज। जान लेने वाली सच्चाई से जान बचाने वाली खामोशी ही बेहतर है बेटे। कब तक सच्चाई दबी रहेगी नाना जी? कब तक इस तरह मासूम लोग मरते रहेंगे? आखिर कब तक? जब तुम सौंदर्य लक्ष्मी की मांग भर के दोनों परिवारों को एक करोगे तब सच्चाई लोगों को पता चलेगी, दोनों गाँव भी एक हो जाएंगे। तुम्हारी माँ से किया हुआ वादा पूरा होगा और तुम्हारे पिता कृष्ण प्रसाद की आत्मा को भी शांति मिलेगी। मेरा बेटा किशन प्रताप का बेटा है, मेरा पोता है। वाह बहन जी, राम और कोई नहीं आपका पोता है, हमारी अरुंधति का बेटा। बेटा, इस दादी माँ का दाह संस्कार करके अपने पिता का ऋण चुकाने आया है। 30 साल पहले तुम्हारे पिता की शादी के समय दो टुकड़े होने वाला ये गांव अब तुम्हारी शादी से एक हो जाए तो इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। लेकिन इन गांव वालों की नफरत त्याग में तुम्हारे पिता को जलते हुए देखा है मैंने। अब अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं सह नहीं पाऊंगी बेटा, सह नहीं पाऊंगी। तुम वादा करोगे, दोनों गांव को एक करोगे? आपके आशीर्वाद से आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा दादी माँ। बिछड़े हुए ये दो गांव और ये दो परिवार फिर से एक हो जाएंगे, मैं वादा करता हूँ। Oh,
अगर किसी ने आवाज निकाली तो मार डालूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं इस घर में आया हूँ सिर्फ इसीलिए, तेरी बीवी को मारा है मैंने ही। इसकी लाश को सड़क पर रखकर तेरे पोते को यहाँ बुलाकर उसे भी मार डालूंगा। तेरे खानदान का खात्मा करके इस पूरी जायदाद का मैं अकेला वारिस बनूंगा। सारे गांव वालों को खबर दी जाती है कि ठाकुर भूषण सिंह के परिवार का कोई भी वारिस अगर इस गांव में हो तो फौरन वह ठाकुर साहब के घर जाकर उनकी पत्नी की लाश को आग दे दे। सीतापुर के प्रेसिडेंट ठाकुर भैरव सिंह ने ये घोषणा करवाई है। बेटे राम, जल्दबाजी मत करो। अन्नपूर्णा की लाश को घर में रख करके ढिंढोरा पिटवा रहा है, यानी वो भैरव सिंह को साजिश कर रहा है। तुम जरा भी जोश में आओगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि तुम कृष्ण प्रसाद के जान के वो क्या करेंगे। साहब, रामपुर के लोग हथियार लेके आपको मारने के लिए आ रहे हैं, आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है, चलिए यहाँ से निकलते हैं। श्यामलाल, उन सबको यही काट डालूंगा, यहाँ खून की नदियाँ बहा दूंगा। साहब, मेरी बात मानिए, आप नहीं जानते एक दो नहीं सैकड़ों लोग आ रहे हैं, आप मेरे साथ चलिए। बुआ जी, शांत हो जाए। भैरव सिंह कहाँ है? नहीं जानती बेटा। नाना जी, आप इनके दाह संस्कार का इंतजाम कीजिए, मैं जाके भैरव सिंह की खबर लेता हूँ। मालिक, हम सब आपके साथ हैं। चलो। फिर से इन दोनों परिवारों की समस्याओं को दो गांवों की समस्या मत बनाइए। उसे यहां आने दो, जैसे उसके पाप को मारा उसे भी मार डालूंगा। तुम लोग रेलवे ट्रैक की तरफ जाओ, अगर वहां पहुंचे तो उसे वहीं मार डालो। जाओ।
अभी क्या देख रहे हो बेटे, उसके टुकड़े टुकड़े करो। हमारे घर को तबाह करने वाले उस कमीने को खत्म कर दो। जाओ। बाबूजी, मुझे बचा लो बाबूजी।